देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अधिकतर राज्यों में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक फंगस का शिकार 79% ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हैं। इसलिए जरूरी है कि वह अपना खास ख्याल रखें। ब्लैक फंगस आंख, ब्रेन, लंग्स के बाद पेट पर अटैक कर रहा है, जिसका असर आंत पर अधिक होता है, जिसके कारण बुखार, खून की उल्टी आदि समस्याएं देखी जा रही है। लो इम्यूनिटी के कारण ब्लैक फंगस शरीर के अंगों को अपना शिकार बना रहा है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले इम्यूनिटी को मजबूत करें। इसके लिए योगासन, प्राणायाम, साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय भी अपना सकते हैं। इससे भी आपको धीरे धीरे अवश्य लाभ मिलेगा। ब्लैक फंगस से खुद को बचाव के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि का जूस भी पी सकते हैं। इससे इम्यूनिटी मजबूत होने के बाद ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। इसके साथ ही लंग्स, किडनी, हार्ट भी हेल्दी रहेंगे। आयुर्वेदिक जूस बनाने की विधि, एक हरा या फिर सूखा आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा पर थोड़ी सी गिलोय की डंडी, 6 से 7 नीम की पत्तियां, 4 से 5 तुलसी की पत्तियां, इन सभी चीजों को ग्राइंडर में डाल लें और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंडर कर लें। आपका जूस बनकर तैयार है। इसे छानकर सुबह खाली पेट पिएं। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण के अलावा विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ कई लाइफस्टाइल डिजीज से बचाता है। उसके बाद गिलोय नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर आदि तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद है तुलसी। तुलसी के पत्ते में अधिक मात्रा में पोटेशियम, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, कैरेटीन और विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है नीम। नीम के आर्क में डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों का इस्तेमाल किसी न किसी रोग से निजात पाने में किया जाता है। नीम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं।